Hello, my dear students and viewers, welcoming you all to my class. So in my last class, I introduced to you the syllabus of HS first year English and marks determination. So in my today's class, I'll be teaching you from your Hornbill book, the very first chapter, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So The Portrait of a Lady is written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is a short story writer. In this class, we'll find what the things are discussed in this chapter. Khushwant Singh is a short story writer. So in this short story, The Portrait of a Lady is a biographical story. So in this story, we'll know the Khushwant Singh what describes. In this story, Khushwant Singh describes draws a pen picture of his grandmother, and he describes how he had spent his childhood with his grandmother. And he also describes about his grandfather. He also describes that there was a one turning point in between them, in between him and his grandmother. And lastly, in the ending part, he describes that about the last journey of his grandmother. सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खुशवंत सिंह कैसे डिस्क्राइब किया है उनकी दादी माँ के बारे में और उनकी जो चाइल्डहुड थे कैसे बिताया उनके साथ दादी माँ के साथ जब वो विलेज के स्कूल में हम लोग देख पाएंगे लास्ट में दादी माँ की डेथ कैसे हुए सो वो सब खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर खुशवंत सिंह ड्रॉज अ पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर हाउ ही वॉज लुक्स लाइक Khushwant Singh is saying that my grandmother is like a little bit bad and she is little means loving and deeply religious person. Khushwant Singh bol raha hai ki meri jo dadi maa thi wo thoda sa ye jhuke hue the aur unki jo matlab wo bahut religious thi religious scripture padhti thi aur mujhe suna kar kyunki unko lagta tha ki matlab ye sunke main bhi kabhi ye sab bol pao lekin Khushwant Singh ye sab kabhi bhi मतलब याद नहीं कर पाता लेकिन उनको सुनने में अच्छा लगता था इसीलिए उनकी दादी माँ उनके लिए गाती थी ये सब और वो बोल रहे हैं कि मेरी जो दादी माँ है वो सब की दादी माँ की तरह ओल्ड है और वो बोल रहे हैं कि खुशवंत सिंह बोल रहा है पिछले 20 सालों से मैं ये देख के आ रहा हूँ जो मतलब दादी माँ की जो फिज़िकल कंडीशन है अभी तक वैसे ही है मतलब जितने मतलब 20 साल पहले मैंने जो देखा था अभी तक उनकी फिजिकल कंडीशन वैसा ही रह गया कुछ चेंजेस नहीं आया एंड ही इज़ टेलिंग दैट मीन्स पीपल यूज टू से दैट हिज ग्रैंडमदर हैड चिल्ड्रेन एंड हस्बैंड सो इट वाज वेरी मच हार्ड टू बिलीव टू खुशवंत सिंह खुशवंत सिंह मतलब ये विश्वास ही नहीं करता कि उनकी दादी माँ की कभी भी मतलब हस्बैंड भी थे और चिल्ड्रेन भी थे उनको ऐसे देख के लगता था मतलब ऐसे लग रहा था कि खुशवंत सिंह बोल रहे कि मेरी जो दादी माँ है उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि कभी वो यंग थी और वो कभी सुंदर थी बाद में देखते हैं खुशवंत सिंह उनकी ग्रैंडफादर की डिस्क्राइब करते हैं उसकी एक फ़ोटोग्राफ थी मेंटल पीस के ऊपर लगा हुआ था और उसमें बोल रहे हैं खुशवंत सिंह ही लुक्स लाइक 100 ईयर्स ओल्ड उनकी जो ग्रैंडफादर है उनको देख के पिक्चर में देख के लग रहा है कि उनकी 100 ईयर्स होगी और उनकी भी मतलब वो ऐसा कभी नहीं लगता कि उनकी बच्चे थे और उनकी कभी वाइफ थे ऐसा लग रहा है कि उनकी बहुत सारा ये होगी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे ये पिक्चर में देख के लग रहा था और वो पिक्चर में ग्रैंडफादर सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनकी मतलब सफ़ेद दाढ़ी भी थे खुशवंत सिंह इज टेलिंग दैट इट वाज डिस्गस्टिंग टू हिम दैट हिज ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रीटी ही हैज़ बीन कंपेयर्ड दैट हिज ग्रैंडमदर लाइक विंटर लैंडस्केप एंड शी बिकॉज शी वॉज वेरी मच कूल एंड काम एंड प्योर एंड शी वॉज ब्यूटिफुल यानी मतलब खुशवंत सिंह जो बोल रहे हैं कि वो प्रीटी नहीं थे प्रीटी यानी क्या होता है सुंदर होते हैं मतलब बाहर से सुंदर रहते हैं लेकिन वो खुशवंत सिंह बोल रहे हैं शी वॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल यानी अंदर से जो इनर ब्यूटी जो होते वो बहुत अंदर से बहुत अच्छे थे बहुत खूबसूरत थे और वो बहुत प्योर थी तो इसलिए बोल रहे हैं कि खुशवंत सिंह बोल रहे हैं शी वॉज मोर ब्यूटिफुल एंड शी वॉज ही हैज़ बीन कंपेयर्ड
his grandmother to winter landscape. According to his appearance, she has never any children or husband. The writer Khushwant Singh is telling that his grandmother and grandfather were very good friends. मतलब वो grandmother और grandfather जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे. So in this short story, I have divided in 6 phrases. So in these 6 phrases, I will letting you know. So in first phrase, we can see that a description of grandfather. So grandfather जो थे already मैं बोल चुका हूँ कि grandfather दिखते हुए उस picture में दिखते हुए 100 साल के लगते हैं और उनको देख के ऐसा कभी नहीं लगते कि उनकी कभी भी मतलब children थे और wife थे ऐसा नहीं लगते. और उन्होंने ये जो पिक्चर में सफ़ेद कपड़ा हुआ कपड़ा पहने हुए थे ढीला सा और दाढ़ी भी थे सफ़ेद दाढ़ी भी थे उनकी पिक्चर में. तो बाद में देखते हैं चाइल्डहुड बेटे खुशवंत सिंह उनकी दादी माँ के साथ ये चाइल्डहुड बिताया हुआ था और उनकी जो मतलब स्कूल लाइफ थे विलेज में तो दादी माँ उनको हेल्प करते थे. बाद में बोथ वेयर टुगेदर in the childhood time at the childhood time he was they were staying together as his parents moved to the city so made him ready for school. So she used to make him ready for school and she used to make some chapatis butter and bread and sugar. She used to make some chapatis. वहाँ पे मतलब रास्ते में बहुत सारे dogs होते हैं उनके लिए भी chapatis ले जाते हैं और स्कूल के पास एक टेम्पल होते हैं एंड टेम्पल वॉज अटैच टू द स्कूल एंड शी यूज टू स्पेंड हिज स्पेंड हर टाइम इन द टेम्पल बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. तब तक तो उन लोगों की रिश्ता बहुत अच्छे चल मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था दादी माँ की और खुशवंत सिंह की. तो सडनली क्या हुआ सडनली उनके पेरेंट्स बोला कि उन लोगों को सिटी में जाना है दे वर सेंट टू द सिटी. सो तब क्या हो गया एक टर्निंग पॉइंट आ गया. खुशवंत सिंह बोल रहे देर वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन बिटवीन अस. ये एक टर्निंग पॉइंट था जब पेरेंट्स ने बोला कि उन लोगों को सिटी में जाना है और वहाँ जाके क्या करना है इंग्लिश स्कूल में एडमिट होना है. तो सिटी में जाने के बाद ऑल्दो दे वर शेयरिंग द सेम रूम बट दे यूज़ टू नॉट टॉक टू मच. Khushwant Singh was admitted in an English school and she was unable to help him. They were sharing, although they are sharing same room, actually it was an English school. Grandmother was unable to help him anything. गांव में जब था तब grandmother उनको लेके जाते थे स्कूल में और यहाँ पे कोई बस भी नहीं था स्कूल बस नहीं था. लेकिन यहाँ पे जो सिटी में जो है इंग्लिश स्कूल में तब क्या होता है उसमें तो दादी माँ को मतलब कोई हेल्प भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि बस आते हैं स्कूल बस आते हैं और उनको ले जाते हैं खुशवंत सिंह को. तो इसीलिए उन लोगों का मतलब रिलेशनशिप में बहुत ये हो गया ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया मतलब इतना बातचीत नहीं होता के बीच. और एक बात है वो गांव में जो स्कूल था वो रास्ते में डॉग्स मिलते थे और दादी माँ उनके लिए चपाटी ले जाते हैं. लेकिन यहाँ जो सिटी में जो है सिटी में यहाँ पर डॉग्स नहीं होते इसीलिए डॉग्स वेयर रिप्लेस्ड विद द स्पैरोज. मतलब यहाँ सिटी में क्या होता है डॉग की जगह स्पैरोज ने रिप्लेस कर दिया. तो वहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज होते हैं और दादी माँ उन लोगों को फीड करने में बहुत अच्छे लगते हैं. वॉज एन्जॉइंग बाई फीडिंग द स्पैरोज एंड उनको और भी बहुत बुरा लगा जब खुशवंत सिंह सेज दैट इन आवर स्कूल टू स्टोर्ड इन लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मदर वॉज अनेबल टू कैच एनीथिंग एंड शी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम एनीथिंग सो शी फेल्ट सैड. उनको और भी बहुत बुरा लगा जब सुना कि स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाता है टॉट म्यूजिक एंड साइंस क्योंकि उनको लगता था कि म्यूजिक जेंटलमैन के लिए नहीं है वो कोई बेगार्स के लिए होगा और जेंटलमैन के लिए भी बिल्कुल भी नहीं होते. तो उनको बहुत बुरा लगा कि स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है और स्कूल में कोई ऐसा मतलब गॉड के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. इसीलिए ग्रैंड मदर को और भी बहुत बुरा लगते हैं. इसीलिए ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब बाई ऑल दोज थिंग्स.
और फेज थ्री में आप लोग देख पाएंगे वेंट टू यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो उनकी जो कॉमन जो रिलेशनशिप था फ्रेंडशिप की वो और धीरे धीरे कमने लगा. व्हाइल ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड शी वॉज मीन्स एट फर्स्ट दे वर शेयरिंग द सेम रूम बट व्हेन व्हाइल ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी द रूम वर सेपरेट. ओके सो दे वर स्टेइंग इन सेपरेट रूम्स. सो कॉमन लिंक ऑफ रिलेशनशिप वॉज स्नैप्ड. उन लोगों की मतलब जो कॉमन जो रिलेशनशिप था फ्रेंडशिप की वो स्नैप हो गया. ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर लोनलीनेस. सो ग्रैंड मदर ने उनकी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर दिया कि हर टाइम स्पैरोज को फेड करती थी तो उनको अच्छा लगता था तो इसीलिए वो टाइम मतलब उनकी टाइम पास ऐसे ही करती थी. स्पैरोज को खाना खिलाती थी. सो ही वॉज रेडी टू गो फॉर अब्रोड go to abroad for higher studies. So the grandmother came to the railway station and he was ready to go for abroad. And she was very calm and composed and she kissed his forehead. And the most important thing is that the author was very much confused and doubtful of ever meeting again. So unko जब मतलब रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए गए हैं ग्रैंड मदर ने है कुशवंत सिंह बहुत ही डाउटफुल था और मुझे डाउट लगता है कि मैं आके उनको फिर मिलूँगा कि नहीं क्योंकि वो बहुत ही एजड का है. तो गुएंट एब्रोड आफ्टर दैट ही केम बैक आफ्टर 5 years टू होम. ही केम बैक आफ्टर 5 years एंड ग्रैंड मदर वॉज अनचेंज्ड बिकॉज ग्रैंड मदर वॉज प्रेजेंट. Grandmother was present in the station and he has seen that one thing he noticed that his grandmother was unchanged till after 5 years. Unko matlab 5 years ke baad bhi unko unki grandmother ko aisa laga ki koi bhi change nahi hai grandmother ki. So in the evening he collected women of the neighbors and she used to song of homecoming warriors. उनके उन्होंने क्या किया उनकी जो नाइवर की वोमेन सबको बुलाया और ड्राम्स बजाया ड्राम्स के साथ गाना गाया कुशवंत सिंह आने की खुशी में. द इवनिंग शी वॉज कॉल्ड सम वोमेंस ऑफ हिज नाइवर एंड शी यूज टू सिंग सॉन्ग्स फॉर द होम कमिंग वॉरियर्स ऑफ हिज कुशवंत सिंह. सो एंड गॉट माइल्ड फेवर. जो मतलब इन द मॉर्निंग क्या हुआ सुबह सुबह क्या हुआ उनकी मतलब फीवर हो गया और उन्हें मतलब ऐसा लग रहा था कि वो और नहीं बच पाएंगे. इट इज़ हर लास्ट स्टेज एंड शी विल बी डाई वेरी सुन. सो उन्हें लग रहा था कि वो और नहीं बच पाएंगे और उनको मतलब शी वॉज ट्राइंग टू ओनली टू प्रे शी वॉज ओनली वॉन्टेड टू प्रे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो प्रे ही करेंगे और बाकी कुछ मतलब किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे. तो व्हाइल ऑन द लेइंग ऑन द बेड सडनली शी वॉज स्टॉप्ड लिपसिंग एंड द रोसरी फेल डाउन. ओके सो व्हेन इट वाज द रोसरी वाज फेल डाउन एंड दे कुड सीन दैट द हर लिप्स वर स्टॉप्ड सो दे फील दैट शी वॉज डेड. So while she was praying and suddenly what happened, the rosary fell down and her lips was stopped. So unke baad unko sabko laga ki dadima or the grandmother is no more and un logo ko laga ki dadima aur nahi rahi. To baad mein kya hua unki funeral ke liye a body leke gaye aur thousands of sparrows were there and they used to means they were not making any sounds to that day they were totally different in that day and they were ignored the breads which was given aur ye sab dekh ke unki kuswan singh ki breads ko jaise dadi maa dete the breads ko ye tukre tukre karke diya sparrows ko lekin sparrows ne kisi ko touch bhi nahi kiya. और दादीमा की जब बॉडी लेके चले गए तो स्पैरोज़ भी
इसके साथ चले गए और उन्होंने ब्रेड्स को टच भी नहीं किया। तो बाद में स्वीपर आया और स्वीपर ने ये क्लीन कर दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई रिपीट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। इट वॉज रिटन बाई खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह वॉज इज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड इन हिज स्टोरी ही हैज़ डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर। ही ड्रॉज अ पेन पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर एंड he describes how he had spent his childhood with his grandmother, and he describes also how his grandfather was looks like, and how he was going to school in the village, and in the last part, in the ending part, he describes that how his grandmother was dead and the last journey of his grandmother. इस शॉर्ट स्टोरी से हम लोग को पता चला कि ये खुशवंत सिंह जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है किस तरह दादी माँ के साथ स्कूल जाया करता था और उनकी मतलब चाइल्डहुड कैसा बिताया और उनकी जो दादा था ग्रैंडफादर जो थे वो कैसे लगते थे और उनकी जो मतलब ग्रैंडमदर की डेथ कैसे हुआ इस क्लास में हम लोग जान पाए। खुशवंत सिंह ने बोला कि जो दादी माँ थे उनकी दादी माँ को ऐसे देख के कभी नहीं लगते कि कभी यंग थी और कभी प्रीटी थी। शी वॉज नेवर बीन लाइक लुक्स लाइक शी वॉज प्रीटी एंड शी हैज़ चिल्ड्रन। शी लुक्स लाइक शी ऑलवेज बीन ओल्ड एंड ही टोल्ड दैट माई ग्रैंड मदर इज लुक्स लाइक एवरी वंस ग्रैंड मदर। ओके सो ही वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब हिज ग्रैंड फादर लाइक his grandfather looks like 100 years old and he never it never looks like he has children and wife. So this is all about the chapter which I have discussed, and this is the part 1, and in the part 2 I'll be coming with the question answer of this chapter, that is the Portrait of a Lady by Khuswant Singh. I'll be coming with the question answer in the next video. So thank you all for paying heed to my words. Thank you and have a good day. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.